नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजत सिन्हा। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे विषय वस्तु पर, यानी ड्राइंग की शुरुआत आप उस वस्तु से करें जिसे आप हर रोज देखते हैं, उसे छूते हैं, महसूस करते हैं, यानी उसे आप एहसास करते हैं। उदाहरण के तौर पर, आप जब सुबह उठते हैं तो आप उगते हुए सूरज को देखते हैं। उसको देखते ही आपके मन में खुशी होती है और आपके दिन की शुरुआत उसी उगते हुए सूरज के साथ होती है। तो मेरा कहने का मतलब है, उगते हुए सूरज का बनाए पहला स्टेप में, और सेकंड स्टेप में आप हर इंसान को म्यूजिक से लगाव है, जिसको तबला से, किसी को हारमोनियम से, किसी को गिटार से, तो आप तबला हारमोनियम का भी ड्राइंग कर सकते हैं। और उसके बाद फूल, पेड़ पौधे, पालतू जानवर का भी आप ड्राइंग कर सकते हैं। किसी को गार्डनिंग का शौक़ है, सुबह शाम वो फूल में पानी देते हैं गमले में, उसकी देखभाल करते हैं, तो उनको फूल के बारे में पूरे मालूम रहता है कि उनका आकार गोल होता है, लंबा होता है, उसके कलर से उनको ज्ञात रहता है कि लोटस का कलर वाइट होता है, रोज़ का गुलाबी होता है, सनफ्लावर का येलो होता है, तो आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं। पालतू जानवर में आप गाय का, कुत्ते का, बकरी का, बिल्ली का, आप इटीसी आप उसका ड्राइंग कर सकते हैं। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन सभी चीज़ों को आप बचपन से ही देखते हुए आ रहे हैं, तो आपको चित्र बनाने में काफ़ी मददगार होगा। तो दोस्तों, आज हमने विषय वस्तु पर चर्चा किया और इसके बारे में आपको मालूम हो गया होगा कि विषय वस्तु क्या होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि उन सभी नौजवान को भी मालूम हो कि ड्राइंग की शुरुआत हम विषय वस्तु से करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन अच्छा हो। धन्यवाद।